हेलो स्टूडेंट, आर के विज्ञान कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये फर्स्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का, जो आने वाले 2019 में जो एग्ज़ाम है उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो अब शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की अभ्यंतर की जानकारी प्रदान करने वाले कौन कौन से साक्ष्य प्रमाण हैं, और अभ्यंतर और आंतरिक संरचना एक ही स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना से कि पृथ्वी की उत्पत्ति की भांति पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी मनुष्य के लिए एक पहेली बनी हुई है। इसका कारण यह है कि हम पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई तक जाकर स्वयं आँख से नहीं देख सकते। विश्व की सबसे अधिक गहरी खाने दक्षिण अफ्रीका की खाने हैं, जिनकी गहराई 4.8 किलोमीटर है। आधुनिक यंत्रों के खनिज तेल की प्राप्ति के लिए खोदे गए हुए कुएं भी 10 या 12 किलोमीटर से अधिक नहीं हैं। यह पृथ्वी के धरातल से केंद्र तक लगभग 6371 किलोमीटर गहराई की तुलना में नगण्य हैं। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत ही सीमित है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार के पदार्थ हैं, उनकी भौतिक रासायनिक रचना किस प्रकार की है, क्या पृथ्वी अंदर से ठोस है, द्रव है और गैस की अवस्था में है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हेतु हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पृथ्वी संबंधी सिद्धांत तथा विभिन्न मंडल के संबंधों में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा कि पृथ्वी एक प्याज की तरह है। जिस प्रकार से प्याज के दोनों सिरे काट देते हो और देखते हो आप कि लगातार परतों के रूप में पृथ्वी बनी हुई है एक के बाद एक। जिस प्रकार से उसका जो पहला पार्ट है वो क्रस्ट है, दूसरा है मेंटल है और आंतरिक भाग कोर के रूप में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहले है प्राकृतिक स्रोत, घनत्व, दबाव, तापमान, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध सिद्धांत, ग्रहणों परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना, निहारिक परिकल्पना, और प्राकृतिक स्रोत हैं ज्वालामुखी और भूकंप। इसके बाद भूकंप के विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर विशेष कुछ अभिनय मत हैं जिन्हें रिसेंट व्यू भी कहते हैं। उसमें आते हैं भूरपट्टी, मेंटल और भूक्रोड। इसके बाद साथ में और हैं भूकंपी तरंगे, प्राथमिक, गौण और धरातलीय तरंगे। फिर है पृथ्वी के रासायनिक मंडल, विशेषकर स्वेस के अनुसार सियाल, सीमा, नीफे, और फिर रासायनिक मंडल हैं स्थल मंडल, तरल मंडल, केंद्र मंडल और मध्य मंडल। घनत्व पृथ्वी की ऊपरी भाग परतदार सेलों का बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम मीटर क्यूब है। लगभग पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 है गुना अधिक है। पृथ्वी के अंतरम का घनत्व सर्वाधिक है, जो कि 11 से 13 ग्राम मीटर क्यूब के बीच है। स्टूडेंट, बताना चाहूँगा घनत्व किस प्रकार से देखोगे आप। जैसे जनसंख्या घनत्व है, मान लीजिए आप आर के कॉलेज में पढ़ते हो और उसका जनसंख्या घनत्व दो सर्किल देखो, एक है आर के कॉलेज, एक जयपुर है, और इस एरिया में 10 हैं सिर्फ और एरिया में 1000 हैं जयपुर में। तो देखना चाहोगे एक सामान्य एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितनी उनकी सघनता है, उस हिसाब से ही जनसंख्या घनत्व अपन पता लगा सकते हैं। ग्रहों में एकमात्र शनि ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व तो पानी से भी कम है, लगभग 0.70 ग्राम मीटर क्यूब। अब दबाव में आ जाइए सर। पृथ्वी में गहराई के साथ बढ़ते घनत्व के संबंध में वैज्ञानिक के दो मत हैं। एक मत के अनुसार पृथ्वी करोड़ भाग का अधिक घनत्व इसकी भारी परतों के भार अथवा दबाव के कारण है। इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के करोड़ का अत्यधिक घनत्व वहाँ स्थित दबाव के कारण है, किंतु आधुनिक प्रयोग ने सिद्ध कर दिया है कि सेल में एक सीमा के बाद घनत्व बढ़ना बंद हो जाता है। पृथ्वी का कोर धातु से बना है, जिसके भार के कारण यहाँ घनत्व अधिक है। आप सुन देखेंगे तापमान पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी का भारी सतह से नीचे की ओर गहराई पर जाने पर औसत रूप में तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सामान्य स्थिति 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लगभग 96 किलोमीटर गहराई पर तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि कोई भी खनिज इस स्थिति पर ठोस अवस्था में नहीं रह पाता। अतः पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस नहीं होकर तरल अवस्था में है।
अब पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन और मॉल्टन के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणुओं के समूह के कारण हुआ है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरण ठोस अवस्था में होगा। ज्वारीय परिकल्पना। जींस व जेफरीज के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से अवशिष्ट या निस्वस्थ ज्वारीय पदार्थों से हुआ है तो पृथ्वी का अंतरम तरल अवस्था में होना चाहिए। तीसरी परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना। लाप्लास के अनुसार पृथ्वी के उत्पत्ति गैस तथा धूलकण से बनी निहारिका से मानी जाती है। तीसरा है मुख्य पॉइंट प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का तरल लावा यह सिद्ध करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कहीं ना कहीं तरल अवस्था में है। इसके बाद है भूकंप। अचानक भूकंप पर कंपन पैदा होना भूकंप कहलाता है। जिसके अंतर्गत दो मत हैं, एक अभिनत मत है, दूसरा भूकंपी तरंगों का मत। अभिनत मत क्रस्ट भूपर पट्टी, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो कि पतले आवरण की तरह पृथ्वी के आंतरिक भाग को घेरे हुए है। यह एक भूगोल परत है जिसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति है। इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। भूपर पट्टी स्थल मंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महासागर में भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। अब मेंटल, यह परत भूपरपट्टी के नीचे स्थित है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। भारी चट्टानों से बनी इस परत के ऊपरी भाग में तापमान लगभग 870 डिग्री सेल्सियस से निचला भाग 2200 सेल्सियस तक रहता है। क्रोड, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है जिसका विस्तार 2900 किलोमीटर गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। क्रोड दो भाग में है, बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम मीटर क्यूब है। अभी देखेंगे इसमें चार्ट देखोगे जिस प्रकार से पृथ्वी एक अंडाकार शेप में है और इसके देखोगे बीच में और लगातार पर दर परत वृद्धि का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से लगातार क्रस्ट मेंटल और कोर ये तीनों परतें हैं लगातार एक के बाद एक बनी हुई है। आंतरिक भाग में जैसे जाओगे वैसे आपको दिख रहा है चार्ट में लगातार घनत्व तो बढ़ता हुआ आ रहा है। तापमान भी इसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार से गहराई बढ़ती है। अब पढ़ेंगे विशेषकर भूकंपीय तरंगे। जो विशेषकर भूकंप के संदर्भ में बताया है कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है, किस प्रकार से वहाँ जो तरंग हैं विशेषकर PSL कैसे संचरण करती हैं। पहले है प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। पी, इन तरंगों का अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे व पीछे की ओर होता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। इनके कणों की गति तरंग की रेखा के सीधे में होती है। तरंगे किसी भी स्थान पहले पहुँचती हैं या ठोस तरल और गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। फिर है आड़ी अथवा गुण लहरें एस तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों के प्रभाव से पदार्थ के कण गति की दिशा के लंबवत दाएं या बाएं ऊपर या नीचे करते हैं। जिनके कणों की गति तरंग दिशा के समकोण पर होती है इसलिए इन्हें आड़ी तरंगों भी कहते हैं। ये तरंगे तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती हैं। ये ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। एस तरंगों की इस महत्वपूर्ण विशेषता ने ही वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। फिर तीसरी तरंग आती है एल तरंगे। धरातल लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। इनका भ्रमण पथ उत्तल है होता है। इनमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है अतः ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। एल तरंगे आडे तिरछे जिगजैग धक्का देती सी प्रतीत होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। सिस्मोग्राफ पर सर्वप्रथम पी उसके बाद एस एवं अंत में एल तरंगे अंकित होती हैं। ये कुछ डायग्राम है जिसमें पता लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तरंगों का संचरण होता है। देख लीजिए जैसे जैसे आपने देखा है क्रस्ट मेंटल और कोर्ड देख रहे हो तो जो क्रोड में है वो सिर्फ पी तरंगे पहुंच पा रही हैं, एस तरंगे नहीं पहुंच पा रही। उसके बाद पता लगाया जा सकता है कि सिर्फ बी तरंगे ही गैस तरल और ठोस तीनों में चल पाती हैं लेकिन एस तरंगे सिर्फ ठोस में चल पाती तरल में ये लुप्त हो जाती हैं। अब बढ़ेंगे चौथा पॉइंट पृथ्वी का रासायनिक संगठन। स्वेस के अनुसार स्वेस ने तीन बताए हैं सियाल सीमा नीफे। सियाल इस परत में सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता है। इसका घनत्व 2.9 ग्राम मीटर क्यूब है। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक है। इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है।
खासकर महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से हुई मानी जाती है। दूसरा है सीमा। सीमा सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा है की है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैले से हुई है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम का प्रधानता है। इसका औसत घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 मीटर सेंटीमीटर क्यूब है। नीफे इसकी रचना निकिल तथा फेरेनियम से मिलकर हुई है। इसका घनत्व 11 ग्राम मीटर क्यूब है। पृथ्वी के कोर में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। अभी देखा आपने स्क्रीन में जो आ रहा है भूपरपट्टी विशेषकर, उसके बाद है सियाल सीमा नीफे जो स्विस द्वारा दी गई है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब है यांत्रिक मंडल स्तर मंडल। भूपटल मेंटल का सबसे ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्तर मंडल का निर्माण करते हैं। यह मुख्यतः बेलोचदार चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। दुर्लभ मंडल दूसरा मंडल दुर्लभ मंडल है। नाम से ही दुर्लभ जाहिर सी बात है, इसमें जितने भी ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल से संबंधित है। विशेषकर जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में हलचल पैदा होती है वो सारी इसी मंडल में ही से जाती हैं। स्थल मंडल के निचले दुर्लभ मंडल स्थित है। इसकी ऊपरी भाग सुघटे और आंशिक रूप से पिघली अवस्था में, इसकी मोटाई लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक है। दुर्लभ मंडल में भूकंपीय तरंगों का वेग कम हो जाता है, इसलिए इसे निम्न वेग प्रदेश या लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। दुर्लभ मंडल मुख्यतः पेरिडोटाइट से बना होता है। मध्यम मंडल यह दुर्लभ मंडल की अपेक्षा कुछ कठोर है। इसकी मोटाई लगभग 2400 किलोमीटर है। फिर आया केंद्र मंडल जिसे बायोस्फीयर भी कहते हैं। अधिक घनत्व से इसे दृढ़ता अधिक है। इसके अंतर्गत पूरा क्रोड आता है। निष्कर्ष उपयुक्त व्याख्यांश पर चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण विभिन्न पदार्थों से हुआ है तथा पृथ्वी के आंतरिक तीनों अवस्था ठोस तरल और गैसीय अवस्था में पाई गई है।